नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय देवगन जो है वो सफलता की एक मिसाल है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया। इनके पिताजी हालांकि बहुत बड़े स्टंट मास्टर थे, लेकिन उस जमाने में स्टंट मास्टरों को जो है इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता था। एक एवरेज लाइफ स्टाइल, एक एवरेज लाइफ, कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रही लाइफ में पैसे की, लेकिन कभी भी पैसा इफरात भी नहीं था। पैसा इतना था कि अपने आप को कम्फर्टेबली जो है एक अपर मिडिल क्लास में रखते थे। और जब से ये सक्सेसफुल हुए हैं तब से इन्होंने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि अपने अगल बगल जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इनके द्वारा जितने भी स्टाफ हैं इनके, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, लेकिन अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में ये बहुत ही महंगे शौक के भी इंसान हैं। जी हाँ, इनके पास एक नहीं बल्कि कई लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जिनमें कि अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो सबसे पहले मैं बोलूँगा मासेराती की क्वात्रोपे, ये करीब करीब 1.5 करोड़ की कार है। उसके अलावा एक दूसरी गाड़ी इनके पास है, रेंज रोवर वोग, और रेंज रोवर वोग जो है ये करीब करीब 2.5 करोड़ की गाड़ी है। इसके अलावा जो है इनके पास जो सबसे महंगी गाड़ी इस समय है वो है रॉयल्स रॉयस कलिनन, ये करीब करीब 6.5 करोड़ की गाड़ी है। और लंदन में इनके पास एक बहुत ही लग्जूरियस प्राइवेट विला है। ये जो विला है ये पार्क लेन में है, जो कि एक बहुत ही अच्छी जगह है लंदन की, और इसकी कीमत करीब करीब 54 करोड़ यानी 54 करोड़ रुपए का यह है ये पर्टिकुलर बंगला है। और वही नहीं, अजय देवगन जो है फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक प्राइवेट जेट अपने पास रखा था। अभी भी इनके पास ये प्राइवेट जेट है, ये 6 सीटर है, करीब करीब 84 करोड़ रुपीस का जो है ये जेट है। और इससे वो हमेशा जो है शूटिंग लोकेशंस हो गए या बाहर घूमने भी जाना रहा अगर विदेश, तो भी वो कई बार इस पे जाते हैं। और यही जो है एक बात है इनके अंदर जो कि थोड़ी सी इनको अलग करती है, ये न सिर्फ महंगी चीज़ें खरीदते हैं बल्कि इनका इस्तेमाल भी रगड़ के करते हैं। हालांकि अजय देवगन के पास एक बहुत ही अच्छी मारुति गाड़ी भी है, जिससे कि वो अक्सर हाँ बॉम्बे में जो है बारिश और इन तमाम दौरान में घूमते हुए दिखाई देते हैं। आपको किन चीज़ों का शौक है ये लिख बताएं आप हमें कमेंट सेक्शन में, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना कदे मत भूलिएगा। धन्यवाद।